गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग 5 जून का डेली करंट अफेयर का लेक्चर। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच कंट्री मेंस हॉकी टीम हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी एशिया कप 2022 आफ्टर डिफीटिंग जापान। ओके, हॉकी एशिया कप 2022 में जापान को हरा कर किस देश ने पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है? तो वो किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। ओके चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाना चाहूंगा, आइए लिखिए। अभी आप सबको मालूम है कि रिसेंटली में थॉमस कप हुआ था, तो थॉमस कप कितने जीता था? हमारे प्यारे देश भारत ने जीता था। इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट था आपका बैंकॉक। ओके बैंकॉक था। विन कौन हुआ था? विन हुआ था इंडिया। ओके और एक और कप आता है, उबर कप आता है। ओके उबर कप, उबर कप का भी होस्ट कौन था? बैंकॉक ही था। ओके विन कौन हुआ था? साउथ कोरिया हुआ था। ओके कौन हुआ था? साउथ कोरिया हुआ था। और आपका जो अभी एक कप देखा, हाँ हमने हॉकी एशिया कप देखा, क्वेश्चन कैसे भूल सकते हैं, हॉकी एशिया कप। हॉकी एशिया कप का होस्ट कौन था? जकार्ता था। ओके जकार्ता एक देश है, जकार्ता। गोल्ड किसने जीता था? गोल्ड को दूसरे रंग में लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो। ओके गोल्ड किसने जीता था? गोल्ड जीता था साउथ कोरिया ने। ओके साउथ कोरिया ने। सिल्वर किसने जीता था? सिल्वर जीता था इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया ने। और ब्रॉन्ज कितने जीता था? ब्रॉन्ज जीता था इंडिया ने। ओके ब्रॉन्ज जीता था इंडिया ने। ओके चलिए, यहाँ पे मैं आपके लिए एक सवाल लेके आ रहा हूँ। सवाल मतलब 2-3 दिन से मेरे माइंड में था लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा था। सवाल ये था कि विदेशों द्वारा भारत की खोज क्यों की गई और क्या जरूरत पड़ी उनको दूसरे देश की खोज करने की। ओके विदेशों द्वारा द्वारा भारत की खोज क्यों की गई? भारत की खोज क्यों की गई और क्या जरूरत पड़ी, और क्या जरूरत पड़ी भारत को खोजने की, भारत को खोजने की। ओके तो ये आपका सवाल है। सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि इंडिया को खोजने का नीड क्यों हुआ और किस देश के पतन के कारण इंडिया को खोजना जरूरत हो गई। ओके क्योंकि अगर मैं इसका जवाब आपको एक हिंट के रूप में दूंगा तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, तो ब्रिटिशर्स को इंडिया को मार्केट बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कौन सा एक कंट्री था जिसके कारण इंडिया को मार्केट बनाना पड़ा? ओके मतलब कि इंडिया मार्केट तो पहले से ही था लेकिन जो समुद्री रास्ता था उस समुद्री रास्ते की खोज क्यों हुई? ओके उस समुद्री रास्ते की खोज क्यों हुई, किस कारण से हुई? ओके तो ये आपका सवाल है। आप में से जिनको भी इसका उत्तर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप। ओके चलिए, आपको जितना भी पता है अपने रिसर्च, क्योंकि देखिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ढूंढते भी है गूगल वगैरह, अगर क्वेश्चन के लिए आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो आपका नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो या फिर साइंस हो। अगर सब्जेक्ट को आप समझ के पढ़ते हैं तो आपकी डेवलप बोलते ना एक आपका कंसेप्चुअल माइंड डेवलप होता है। ओके रट्टा मारना एक अलग बात है कि आपने इतिहास देखा, फैक्ट देखे, याद हो गया, लेकिन उन फैक्ट्स के पीछे की स्टोरी अगर आपको पता होगी तो फैक्ट्स जल्दी याद होते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। रिसेंटली विच नेशन हैज रिजेक्टेड इंडिया स्वीट कंसाइनमेंट ओवर साइकोसिनेटरी कंसर्न ओवर द वीट एक्सपोर्ट? हाल ही में किस देश ने गेहूं के निर्यात पर पादप स्वच्छता संबंधी चिंताओं पर भारत की गेहूं की खेप को अस्वीकार कर दिया है? देखो ये काम किया है अपना तुर्की ने, और ये ऐसा इसने जानबूझकर किया है क्योंकि तुर्की का जो बॉर्डर है वो रशिया से जॉइन है और रशिया भी गेहूं सप्लाई करता है, तो फिर इंडिया ने क्या किया था,
इंडिया ने गेहूं भेज दिया था तुर्की में, लेकिन जो वहां का तुर्की था उसने गेहूं को रिटर्न कर दिया उस, और उसने बहुत मतलब कि एकदम ना बोलते ना स्वस्थता का एकदम बोलते बेकार इशू उठाया उसने। ओके कि हमको लग रहा है कि ये इतना साफ अनाज नहीं है इसलिए हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। और उसने उसी जगह रशिया से अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप सोचा कि हम अपना मजबूत कर लेंगे रिलेशन इससे, तो हम रशिया से गेहूं मंगाएंगे ताकि वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सके, और वो बाय ट्रक वहां से गेहूं मंगा लेते क्योंकि उनका बॉर्डर क्या वहां पे ज्वाइन होता है, ये आपका रशिया है और ये आपका तुर्की है, तो यहाँ पे इनका बॉर्डर ज्वाइन होता है तो वो बाय ट्रक वहां से गेहूं मंगा सकते हैं। ओके बट यहाँ पे इसने गलती क्या की मालूम है, कि इसने अपना रिलेशन इंडिया के साथ में खराब कर लिया, क्योंकि वहीं अफगानिस्तान ने भी तो गेहूं मंगाया, क्या उसके लिए गेहूं साफ नहीं है, और मतलब कि उसके लिए गेहूं साफ है और तुम्हारे लिए साफ नहीं है। ओके ऐसा ही हाल हुआ था पाम ऑयल के टाइम पे, जिन जिन कंट्रीज ने बोला था कि मतलब वो लोग को पाम ऑयल का हो गया था घमंड, लेकिन आज कोई देश उनका पाम ऑयल ले नहीं रहा है, वैसा ही काम ये कर रहा है अभी। ओके वैसे भी इंडिया ने अपने शुगर केन अर्थात गन्ने के ऊपर, अपने राइस के ऊपर और अपने वीट के ऊपर बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे, और ये बैन इसने क्यों लगाया है, बैन लगाने के पीछे बैन लगाने के पीछे कारण क्या है, वो मैं पूरा एक डेडिकेटली वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा गन्ने का। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आफ्टर 2023 इंजन के डिजाइन चेंज होंगे, जो गाड़ियों में इंजन लगते हैं उनके जगह पर आने वाले फ्लेक्स इंजन्स और फ्यूल में लगने वाले फ्लेक्स फ्यूल, क्योंकि इंडिया का फ्यूल के अंदर मतलब कि जो पेट्रोलियम वो बाहर विदेशों से मंगाता है गल्फ कंट्रीज से, 65 बिलियन डॉलर्स वो देता है सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्रीज को फ्यूल के लिए। अगर जो एक फ्यूल होता है इथेनॉल, जो ब्लेंडिंग से बनाया जाता है, जो ब्लेंडिंग से बनाया जाता है, ब्लेंडिंग क्या होता है, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स करना। ओके तो अभी इंडिया की कोशिश है 20%, अगर ये 20% सक्सेस होता है तो इंडिया अपने 65 डॉलर का 20% सेव कर लेगा हर साल, अगर ये एक बार सक्सेस हो गया तो यहाँ पर 30%, 40%, 50%, 60% करते करते 80% भी कर सकता है, 100% नहीं कर सकता ये। ओके तो देखिए ये ना पूरा 100% इथेनॉल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंजन को चलने के लिए थोड़ा तो पेट्रोलियम चाहिए ही चाहिए। ओके और वो पेट्रोलियम मिनिमम 20% रखा जा सकता है अगर ये सक्सेस हुआ, और ये सक्सेस होगा ही होगा क्योंकि बाकी कंट्रीज में भी इथेनॉल के पेट्रोलियम को यूज किया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता, और अगर ये कंट्री में बनेगा तो यहाँ पे जो फ्यूल यूज होगा उसका भी प्राइस कम होगा। जैसे कि आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात ये मतलब घोषणा की थी कि BS3 की गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, तो रातों रात बेच के कंपनीज को उसको हटाना पड़ा था, और अब BS4 की चलती है। एक टाइम आएगा सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि BS4 की गाड़ी अब चलनी ही नहीं चाहिए, तो उसके जगह नया इंजन जो होगा BS6 वाली गाड़ियां रहेंगी, समझ गए? तो यही बात है, बट कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी प्री 2020 ने भी बायो बायोफ्यूल के ऊपर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके तो मैं आज उसके ऊपर एक डेडिकेटेडली वीडियो लेके आऊंगा, आप चैनल के नोटिफिकेशन के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को चालू कर लो, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब अगर यहाँ पे इस देश का नाम उठा है तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख के लेते हैं ताकि हमारा एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो। तुर्की का नया नाम क्या है? ओके इसका नया नाम भी रखा गया है तुर्की का, इसका नाम कुछ नाम पढ़ने में तो वही है कि स्पेलिंग चेंज किया गया तुर्की। ओके इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अंकारा। ओके और यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? लीरा। ओके यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है रिसेप अर्डोगन। क्या नाम है? अर्डोगन। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच एक्ट्रेस हैज अपॉइंटेड एज अ ब्रांच एम्बेसडर ऑफ टीटा सॉरी टाइटन रागा। टाइटन रागा एक वॉच है। ओके
विच एक्टर हैज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर, कौन है आलिया भट्ट इसकी ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। ओके चलिए, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो इनके ऊपर भी लिख के लीजिए आप लोग, जैसे कि डिश टीवी। ओके डिश टीवी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत है। फिर आपके A23 गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये एक एप्लीकेशन है। ओके A23 कौन है, शाहरुख खान है, शाहरुख खान है आपके ब्रांड एम्बेसडर। ओके गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋतिक रोशन है। ओके कौन है, ऋतिक रोशन। चलिए फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, फार्म इजी के, अरे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके, आमिर खान है, कौन है आमिर खान है। फिर इसके बाद में लॉयड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, लॉयड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरव गांगुली, कौन है सौरव गांगुली। चलिए बताइए बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाटा इंडिया, अगर आपने बाटा इंडिया का कहीं शोरूम भी देखा हो, जैसे मेरे यहाँ पे एक शोरूम है उनका, उनके ब्रांड एम्बेसडर का फोटो हमेशा बाहर लगा हुआ होता है, उनका नाम है दिशा पाटनी जी। क्या आपको ये बात मालूम है कि दिशा पाटनी की एक सिस्टर है जो इंडियन आर्मी में है। ओके चलिए बताइए गोदरेज अप्लायंसेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, गोदरेज अप्लायंसेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना, कौन है आयुष्मान खुराना। चलिए एक और मैंने ऐड देखा था शायद उनका, हाँ रिन्यू बाय, ये एक एप्लीकेशन है रिन्यू बाय, रिन्यू बाय जहाँ पे आप लोग घर खरीद सकते हो विद लोन, ये लोग आपको देते हैं, राजकुमार राव। ओके राजकुमार राव इसके ब्रांड एम्बेसडर है। अगर आप लोग कुछ भी अगर वीडियोस वगैरह देख रहे हो जो उसके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ना, तो आप लोग ध्यान से अगर देखोगे ना तो आपका मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे कि एक और लिखा जाता हूँ, मैंने ऐड देखा था कल शाम की बात है, भारती एक्सा, हाँ भारती एक्सा नाम है उसका, भारती एक्सा इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपकी, विद्या बालन जी, ये विद्या बालन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड गरीब कल्याण सम्मेलन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है। तो इसका नंबर क्या, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी शिमला में, क्या है शिमला में संबोधित किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकॉर्डिंग टू FIH वर्ल्ड रैंकिंग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज मेंस हॉकी टीम, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भारत की पुरुष हॉकी टीम का वर्ल्ड रैंक क्या है, तो ये है आपका चौथा रैंक है, कितना रैंक है चौथा रैंक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन पैरा एथलीट हैज बैंड फॉर 2 ईयर्स, किस भारतीय पैरा एथलीट पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, कौन है ये अपने विनोद कुमार जी, कौन है विनोद कुमार जी है। चलिए और ऐसे बहुत सारे पैरा एथलीट है जिनके ऊपर बैन लगाया गया, जैसे मैं एक के बारे में आपको बताया था कमलप्रीत कौर के ऊपर भी बैन लगा था, लेकिन वो परमानेंट बैन नहीं था, ओके वो टेम्पररी बैन था। तो कमलप्रीत कौर ये कौन से गेम से संबंधित है, कमलप्रीत कौर ये आपके डिस्कस थ्रो से संबंधित है, किससे डिस्कस थ्रो से संबंधित है। डिस्कस थ्रो क्या होता है, वो एक प्लेट नहीं होता जिसको घुमा घुमा के बहुत दूर तक फेंकना होता है, वो होता है आपका डिस्कस थ्रो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सातवा क्या आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विद ईशा आउटरीच टू कंजर्व सॉइल, किस सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ एक समझौता किया है, तो ये किया है गुजरात ने। ओके गुजरात की सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुजरात का न्यूज है तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, बताइए यहाँ के सीएम कौन है, सीएम कौन है यहाँ के, भूपेंद्र पटेल, कौन है भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल। ओके यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत,
आचार्य देवव्रत, देवव्रत यहाँ की राजधानी क्या है? गुजरात की, गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर। कौन सी है? गांधीनगर। आप लोग अच्छे से लिखना, समझ गए? यहाँ की राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11। लोकसभा की सीटें कितनी है? 26। विधानसभा की सीटें कितनी है यहाँ पर? 182। ओके। और विधान परिषद की सीट नहीं है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? उसका योग दिवस का विषय था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। एक मैं अगर आपको यहाँ पे बात बताऊं के बच्चों, देखिए इंसान अपने जीवन काल में कम से कम हर दिन 8 घंटे की नींद लेता है, कम से कम। अगर मैं आपको ये बात बताऊं, अगर आप ये 8 घंटे अपने बचा लोगे, 8 घंटे नहीं, अगर आप लोग इसमें से अपने 5 घंटे भी बचा लोगे, तो आप लोग कितना समय बचा लोगे और आप लोग इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो? अब आपके मन में आएगा, सर सोएंगे नहीं तो प्रॉपर नींद नींद हम लोग की पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं हो तो तबियत हम लोग का बिगड़ जाएगा। देखो 3 घंटे की नींद भी ना इनफ होती है बॉडी के लिए, बट सोने का एक तरीका होता है, उस सोने के तरीका नाम है योग निद्रा। इंग्लिश में लिखता हूं मैं ताकि मात्रा वात्रा गलत ना हो जाए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है योग निद्रा। ओके। इसके लिए मिनिमम 3 वीक्स की प्रैक्टिस लगती है। कितने हफ्तों की? मिनिमम 3 वीक्स की प्रैक्टिस लगती है योग निद्रा के बाद। योग निद्रा सीखने के बाद में आप लोग मात्र 2 से 3 घंटों के अंदर 8 से 10 घंटों की नींद का पूरा आराम ले सकते हो, समझ गए? 2 से 3 घंटा तो मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया। जो योग निद्रा का एक्सपर्ट होता है वो मात्र 10 से 30 मिनट तक सोता है, वो मात्र 10 से 30 मिनट तक, बस इससे ज्यादा वो सोता नहीं, क्योंकि उसको पूरे 8-10 घंटे जितनी नींद पूरी हो जाती है उसकी। ओके। और ऐसा आई थिंक मुझे याद है इतिहास में केवल एक ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है अर्जुन, जिन्होंने अपने नींद पर विजय पाली थी, इसलिए उनका नाम घोड़ा केज भी बोला जाता है। घोड़ा मतलब होता है नींद। ओके। तो अर्जुन ने भी अपने नींद पर विजय पाई थी। देखिए अब अर्जुन का जो जन्म था वो मनुष्य योनि में हुआ था। अब ऐसा तो नहीं है कि वो अगर मंत्र की शक्ति से उत्पन्न हुए थे तो उनको नींद की जरूरत नहीं थी। चोट उनको भी लगती थी, औषधि की जरूरत उनको भी थी, बट महाभारत के समय में क्या था? महाभारत के समय में एक इंसान का जो एज था वो 10,000 साल का हुआ करता था एवरेज। आज का जैसे 100 है ना, वैसे उस टाइम पे 10,000 साल का था, समझ गए? तो वही बात है कि क्योंकि ये 10,000 साल का नहीं था, आई थिंक 1,000 ईयर्स का था। हाँ 1,000 ईयर्स का था, 10,000 साल का नहीं था, क्योंकि युग, क्योंकि जैसे युग बीतते हैं वैसे वहां पर एक एक जीरो कम होता है। जैसे देखिए सतयुग में इंसान का एज 1 लाख साल के बराबर था। आप लोग नहीं सुनते थे कि उसने 5,000 वर्षों तक तपस्या की, 10,000 वर्ष तक तपस्या की? वो लोग जिंदा कैसे रहते थे उस टाइम पे? उनकी एज मिनिमम इतनी ही थी, 1 लाख साल। फिर सतयुग के बाद क्या आता है? ये अपना सतयुग है। ओके। सतयुग के बाद आपका आता है द्वापर युग। ओके। द्वापर युग नहीं आता, त्रेता युग आता है, सॉरी त्रेता युग आता है। त्रेता युग में इंसान का एज हो गया 10,000 साल। ओके। कितना हो गया? 10,000 साल हो गया। फिर उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में इंसान का एज हो गया 1,000 साल। ओके। फिर उसके बाद भी अब आ रहा है अपना कलयुग। कलयुग में 1 जीरो और निकाल दो। कलयुग में 1 जीरो और निकाल दो, 100 साल एवरेज, जो इसके ऊपर जी गया जी गया। ओके। तो ये है कलयुग का एज। अगर आपको इसके अंदर नींद, देखो जो जो व्यक्ति 1,000 सालों तक जी के अपने नींद पर विजय पा सकता है, वो व्यक्ति 100 साल जी के भी अपने नींद पर विजय पा सकता है, सिर्फ किससे? योग निद्रा से। अब आपको लगता रहेगा कि सर क्या हम लोग 1,000 ईयर्स नहीं जी सकते? जी सकते, लेकिन अगर वैसा वातावरण होगा तो। आज के टाइम पे पॉल्यूशन, आज के टाइम पे केमिकल वाला खाना, केमिकल वाली दवाइयाँ, औषधि पहले के टाइम पे कैसी थी? पत्तों द्वारा पीस के दी जाती थी। तब के टाइम पे सब नेचर से आता था, यहाँ तक सब नेचर से आता ही था। ओके। लेकिन जो इंसान के 6 शत्रु होते हैं जिनका नाम होता है षड्रिपु, क्या होता है? षड्रिपु होता है। ये जितने तेजी से बढ़ेंगे इंसान का ये उतने ही तेजी से घटेगा, समझ गए? षड्रिपु
ट्रिपू का नाम क्या है आपके? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ओके, मद मत्सर, ये छह चीज, ये छह शत्रु, ये छह अवगुण जब तक इंसान के अंदर विद्यमान रहेंगे, इंसान अपनी उम्र कभी बढ़ा नहीं पाएगा, इंसान की उम्र घटेगी घटेगी, क्योंकि इन छह शत्रुओं के कारण उसके शारीरिक, उसके शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। समझ गए? तो ये तो केवल एक ऐसा ऐसा जर्नल इंफॉर्मेशन था, बट हाँ, अगर आप लोग योग निद्रा ट्राई करते हो तो आप लोग नींद जरूर काबू पा सकते हो उसके ऊपर। बट हाँ, तब आपको अपना मतलब कि दिन का रूटीन उतना हेल्दी रखना होगा, अपने आप को बिजी रखना होगा और अपने आप को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जन और दिस स्टोर हैज क्रॉस द रेवेन्यू लिमिट ऑफ हाउ मेनी करोड्स? तो ये इसने क्रॉस किया है 100 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू का लिमिट। चलिए, जॉन औषधिक केंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एनआईसी? राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है राजेश गेरा जी को। ओके, चलिए। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द टॉप रेसिपिएंट ऑफ कोविड वैक्सीन? हाल ही में कौन सा देश कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है? बांग्लादेश। कौन सा देश बन गया? बांग्लादेश बन गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड फॉर सर्विसेज टू पाकिस्तान? ओके, सितारा ए पाकिस्तान का अवार्ड किसे मिला है? ओके, जिसने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को सेवा की है उसकी, तो यह आपके है डेरेन सैमी। कौन है? डेरेन सैमी जी है। और पाकिस्तान को सेवा की बात ही क्या बोलूं यार, यहाँ पर मतलब कि आप सबको मालूम है, लगभग धरती के ऊपर हर देश में से पोलियो के जो केसेस है वो बहुत कम हो गए, न के बराबर, लेकिन पाकिस्तान में आज भी वो पीक पर है। क्यों पता है? वहां पे पोलियो का डोज देने वाली नर्सों को गोली मार दी जाती है इसी कारण से। ओके, तो इस देश को बहुत सुधरने की जरूरत है, बहुत। ओके, चलिए। हु हैज कॉन्फर्ड टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022? टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है आपकी रश्मि साहू को ये प्रदान किया गया है। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका नियुक्त किया गया है एसएल थॉसेन रोगिस को, एसएल थॉसेन को नियुक्त किया गया है। बट यहाँ पे आपके सवाल बहुत सारे बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो चीफ है उनके नाम याद करने होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, एसएसबी के नए चीफ कौन है आपके? एसएल थॉसेन, एसएल थॉसेन है। उसी प्रकार से सीआईएसएफ के नए चीफ कौन है आपके? शील वर्धन सिंह है। ओके, शील वर्धन सिंह है आपके, शील वर्धन सिंह है। सीआरपीएफ के नए चीफ कौन है आपके? सीआरपीएफ के नए चीफ कौन है आपके? कुलदीप सिंह है। नए चीफ ने मतलब चीफ, कुलदीप सिंह है। ओके, फिर आपके एनसीसी के नए चीफ कौन है? एनसीसी, एनसीसी के नए चीफ कौन है? चीफ, नए चीफ ने, नए चीफ बार बार निकल रहा है, गुरबील सिंह। कौन है? गुरबील पाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह। बीआरओ के नए चीफ कौन है आपके? राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। राजीव चौधरी। ओके, एनसीबी के चीफ कौन है? एनसीबी के चीफ कौन है? सत्यनारायण प्रधान, सत्य नारायण प्रधान। ओके, चलिए। तो आगे तो आने के लिए बहुत है, मैं अगर यहाँ पे आपसे नाम पूछूं, बताइए दिल्ली दिल्ली पुलिस कमिश्नर का नाम क्या? आप मुझे ये नाम कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने आपको बहुत मतलब 2 महीने पहले अपने ही लेक्चर में बताया था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का नाम क्या है। चलिए, इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, चलिए, और आपको बताना ही है। ओके, अमित शाह हैज लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर एन ओलंपिक लेवल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी?
अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक्स स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है ये? अहमदाबाद में रखी है। ओके, किस शहर में रखी है? अहमदाबाद में रखी है। चलिए ओके बच्चों, तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, और जो शुगर एज अ फ्यूल का जो लेक्चर है वो बहुत ही जल्दी आपका आएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।